हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के कोटकी गांव से। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अब तक का आपको दिखाया, हमारे घर में अखंड भागवत कथा संपन्न हो गई है, व्यास जी की भी विदाई हो चुकी है। तो मैंने आज है 13 तारीख और हमने कल सुबह 14 तारीख को अपने घर निकल जाना है देहरादून। तो मैं, मेरी फूफू मतलब मेरी बुआ, गढ़वाली लोग होंगे तो वो समझ जाएंगे कि फूफू किसको बोलते हैं, और जो देसी हैं तो वो बुआ समझते हैं। तो मैं, मेरी फूफू और मेरी दीदी आई रोड में घूमने, गांव की तरफ निकले हम, ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए निकले हम इधर अपने गांव में। अभी इधर उधर पहाड़ियों से कोहरा उड़ रहा है, और नीचे देख सकते हैं आप हमारे गाँव में, गाँव की लाइटें भी जल गई हैं लोगों की। तो इतना सुंदर व्यू है, अभी बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है अभी गांव का। और इस टाइम हम, कल तक हम भागवत में बिजी थे, 7-8 दिन तक हम भागवत में बिजी थे, और बाहर निकलने का इस टाइम सुबह। तो मैं आई, मैं तो कई बार आती थी सुबह के टाइम पे घूमने, जब मेरे ये फूफू और कथा में रहते थे, सुबह पूजा चलती थी घर वालों की। तो मैं तो सुबह आई, उसमें मैं पूजा में हम नहीं रहते थे, सुबह की पूजा में केवल घर वाले रहते हैं। तो मैं सुबह तो मैं कई काफ़ी दिन आई, पर इस टाइम का व्यू और इस टाइम का नज़ारा, ये अपने गांव का मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये मुझे अभी टाइम मिला ये दिखाने का। ये गांव में देख सकते हैं आप, दूर दूर कैसे लाइटें जली हैं, और दूर दूर कैसे मकान होते हैं ये गाँव में लोगों के। ये है हमारा बड़ा गांव, हमारा खोला, तो जहाँ हमारी अखंड भागवत हमारा घर ऊपर है, बड़ा गांव हमारा ये है। ये है दोस्तों, कोटकी गांव है, ये खिरसू ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, खिरसू के नज़दीक पड़ता है। और हमारा खोला बोलते हैं ना, जैसे गांव में हमारा खोला थोड़ा ऊपर है हमारा घर। ये मेरे देसी लोगों के लिए मोहल्ला भी देसी लोगों के लिए मोहल्ला हमारा मोहल्ला। वो बोल रही खोला मत बोले, वो खोला नहीं समझेंगे, मोहल्ला बोले कि हमारा मोहल्ला हमारा मोहल्ला गांव से थोड़ा ऊपर है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है गांव। ये देखो ये फोन में ही दे, अरे वाह, ये मेरी फूफू जो हमारे शरीर से केस आई थी, मेरी फूफू बहुत सालों में आई गांव, और फूफू का प्राण इतना याद आ रही है फूफू का, पहले गांव के अपने बचपन की। मेरी शादी से 15 साल 14 साल मेरी शादी से फूफू आ रही है, मैं भी 14 साल से आ रही अपनी शादी से, और मेरी फूफू भी, मेरी बुआ भी 14 साल से आ रही गाँव। हाँ मिले, आज मिले हम 14 साल में इन्होंने बुलाया नहीं मेरे को, इसके इन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, लक्ष्मी इन्होंने पर मुझे नहीं बुलाया, मैं तो खुद ही 14 साल में आई तेरे को हमने नहीं बुलाया, मुझे किसने नहीं बुलाया। ये कदर ठंड मौसम ना, बहुत ठंडा हो रहा, पता नहीं फूफ कर हमने तो नहीं, मैंने तो नहीं पहनी स्वेटर, फूफू ने ये स्वेटर पहन रखी है फुल बाजू की। बुड्ढी हो गई फूफू तो नहीं हुई अभी बुड्ढी, नहीं हुई बुड्ढी, और फूफू अब रात हो गई, जा रहे ना, जरा से या ना सार देख, सार जग तेरे पैरों काम करे पुंगड़ों में, देख जब ये धार में आ गए तो अपने गोंग पुंगड़ों सार देख ले, खेती बाड़ी देख ले जो बंजर पड़ गई, जो सारे बंजर हो गई यूं बोलना, खेती बाड़ी बंजर हो गई दोस्तों जो खेती बाड़ी। तो हमने भी कर रखा बहुत काम खेतों में, हमसे पहले हमारी मेरी बुआ ने कर रखा, मेरी बहुत फूफू थी, मेरी बहुत फूफू सब ने किया यहाँ काम, सब ने, ये फूफू मेरी सबसे छोटी है, एक देख हिमो देख। और यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ और अन्य गाँव की, ये अगल बगल देखो बहुत सारे गांव है इधर, ये रायतपुर फूफू भैंसकोट बुगण भी ना, इधे ये फुगड़ो भैंसकोट बुगण ना, ये रायतपुर है नीचे गांव, ये गाड़ी, ये रोड है, ये खिरसू जा रही है रोड, जहाँ ये कार जा रही है ये रोड सीधे खिरसू जा रही है। ये मेरी दीदी आगे आगे घूम रही है, ये इस टाइम आ रखे हम यहाँ रोड में, ये देख ते पता चल मुड़ रहे थे रोड चल गए फूफू, रोड देख अबार वहाँ जो आपको नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये नीचे तक नहीं, नहीं लाइटें, उस लाइटों से पता चल रहा है कि नीचे गांव है,
ये जो नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं नीचे, तो यहाँ पहले रोड नहीं थी जब हम छोटे थे, तो अब यहाँ पूरे गांव के अंदर भी रोड चली गई है, पूरी फैसिलिटी हो गई यहाँ गांव में भी। ये रोड ऊपर चली गई है खिरसु चौपट्टा, खिरसु और ये भैंसकोट है नीचे, जो भैंसकोट बुगाणी है, ये देवलगढ़ जो आपने सुना होगा, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना होगा। तो है लक्ष्मी दीदी, जो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जिनके नाम से है, तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा थे जो, तो ये उन्हीं का गांव है नीचे जो दिख रहा है बुगाणी, है पोफो बुगाण गो ना, उनका वहाँ पे स्मृति द्वार भी देखा हमने जब हम श्रीनगर से कल को ऊपर आए, तो हमने कल वहाँ पे उनके नाम का स्मृति द्वार भी है वहाँ पे उनके गांव में लगा हुआ। तो कहते हैं दोस्तों, ये तो हमें भी पता है कि पहले पहले जब हेमंती नंदन बहुगुणा जी थे, तो वो ही लाए थे हमारे गांव में श्रीनगर से ऊपर रोड, है पोफो बिजली भी ये बिजली भी लाए थे, रोड भी लाए थे। ये देखो ये है पूरी लोकेशन, बिजली पानी, बिजली पानी रोड सड़क सब हमारे गांव का, इधर खिरसु ब्लॉक का उद्धार हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने किया था, जिन्हें कि लोग बहुत याद करते हैं हमारे गांव के, इधर के उनकी स्मृति द्वार पे स्मृति के रूप में उन्हें बहुत याद करते हैं सब। इधे कन दिखाओ, इधर को बड़ गाँव पार, इतना बड़ा गाँव है हमारा गाँव, बहुत फैला है दोस्तों हमारा गाँव, बहुत फैला है दूर दूर तक, जैसे अलग अलग कॉलोनी मोहल्ले होते हैं ना बाहर फिलेंसों में, तो यहाँ गढ़वाल में बोलते हैं अलग अलग खोले होते हैं, खोले छोटे छोटे एक ही गांव के। अब आप कोई और देख पा रहे हैं, ऐंच ऊपर कोहरा उड़ रहा है, नीचे हमारा गांव है, और ये पहाड़ों की सुहावना, पहाड़ों की खूबसूरती मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिखाना चाह ये ऊपर जंगलों से ये कोहरा उड़ रहा है, और टाइम का तो बोलते हो 8:30 ये जो ऊपर कोहरा उड़ रहा है उसके ऊपर है ये हमारे हमारा मोहल्ला ऊपर, ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये हमने बाद में बनाए, मेरे दादी ने, मेरे पापा ने, ताऊ ने, चाचाओं ने ये ऊपर बनाए बाद में मकान, पहले ये जो नीचे गांव दिखाई दे रहा है यहाँ था हमारा मकान, यहाँ नीचे जहाँ ये बड़ा गांव है हमारा, ये नीचे है ये बड़ा गाँव हमारा। अभी भी जैसे गाँव से उत्तराखंड देवभूमि से जैसे लोगों ने पलायन कर लिया है, सब एम्बुलेंसों में चले गए हैं, तो हमारे गांव के मकानों में लाइटें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा गांव अभी खाली नहीं हुआ है इतना, है ना पोपो? हाँ हाँ, गांव में बहुत लोग हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लाइटें देख के, पर ये पता डेढ़ 200 परिवार हाँ, तभी तो फैला हुआ है इतना, 200 से ज़्यादा होंगे पोपो, हाँ 200 से ज़्यादा परिवार होंगे ये, हमें तो अंधेरा पड़ गया, इतने दूर आ रखे हैं हम, इधर दूर घूमे, चीड़ चीड़ बांझ बांझ के पेड़ भी हैं इधर, 200 से ज़्यादा मवासा परिवार हैं ये गांव में, अभी भी हैं हमारे गांव में तो पूरी भीड़ है, तो अच्छा है ये हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है ये लोगों के गाँव से, तो बजाय हमारे गाँव के बहुत पलायन हो चुका है गाँव से, पर हमारे गाँव में अभी भी हैं लोग, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो तो लाइट, अब अंधेरा हो गया, अब जा रहे हैं दोस्तों हम घर, मिलूंगी कल सुबह देहरादून जाते समय, तब तक सभी दोस्तों को, रात का समय आप देख रहे होंगे, सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।